अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं जो कि नीट में पूछा गया है। और क्वेश्चन ये है, दैट्स मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, यानी जो फीमेल में पीरियोडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें सम हार्मोन की कमी होती है, लैक होता है, और वो कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, पहले वाली जो ऑप्शन है इट हैज बीन इंक्लूडेड एज ऑक्सीटोसिन। अब अगर हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन की फंक्शन क्या है, बट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि ऑक्सीटोसिन की फंक्शन इज दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, यानी ये किस में मदद करता है, मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। इतना ही नहीं, ये किस में मदद करता है, चाइल्ड बर्थ में कर लेता है मदद, चाइल्ड बर्थ में मदद कर लेता कौन, ऑक्सीटोसिन। सो यहां पे हम मेंस्ट्रुअल के साथ इसको लिंक नहीं कर सकते, सो ऑप्शन क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। एक तो ये बात है, दूसरी बात जो ऑप्शन हमारे पास है दैट इज वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन की क्या फंक्शन है, फंक्शन ये है इसकी इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी में किस में मदद करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद कर लेता है। सो ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन नो कनेक्शन विद मेंस्ट्रुअल फ्लो, सो ऑप्शन क्या हो जाती है, ये भी इलिमिनेट हो जाती है। अभी एक और हमारा यहां पे आता, मैं डी वाली ऑप्शन पहले ले लूंगा, दैट इज FSH। व्हाट इज FSH, इट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये वो हार्मोन है जो कि मदद करता है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी जो ओवरी होगी इस डेवलपिंग ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होंगे उनको डेवलपमेंट में मदद कर लेता। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां पे भी अप्लाई नहीं होता, सो ये ऑप्शन भी क्या हो जाती है, एलिमिनेट। और हमारे पास कौन सी ऑप्शन आई थी, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, यानी प्रोजेस्टेरोन कैसे अगर इसमें चेंज आ जाती है सो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो पे कैसे इंपैक्ट करता है। सो याद रखना बेटा, प्रोजेस्टेरोन की एक खास ये है कि ये अगर हम मेंस्ट्रुअल फ्लो की बात कर लेंगे, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है, ये एंडोमेट्रियम इट इज एक्चुअली अ टिश्यू, अ ब्लड सप्लाई, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है ये एंडोमेट्रियम दैट ऑल कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो, दैट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब अगर ये एंडोमीटर इधर ही रहेगी, बर्स्ट नहीं हो जाएगी, तो कोई मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो जाएगा। सो होता यू है कि जब प्रोजेस्टेरोन की लेवल क्या हम देखेंगे, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये सपोर्ट करता है एंडोमीट्रियम को, तो एंडोमीट्रियम उधर ही रहेगी, कब रहेगी, जब प्रोजेस्टेरोन हाई है। अब अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, सो ये एंडोमीट्रियम सपोर्ट नहीं हो जाती है, एकदम बर्स्ट हो जाती है और कम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये पूरा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। सो लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, नो सपोर्ट टू द एंडोमीट्रियम, नो सपोर्ट टू द एंडोमीट्रियम, एंड इट विल बर्स्ट एंड कम इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। सो राइट वाली ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्रोजेस्टेरोन है। थैंक यू।